हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बाई करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है। वैसे जनरली लोग बाई तो करते हैं और उनको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम उनको लॉस हो जाता है। अब लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप उस जगह पे बाई कर रहे हैं जहां पे बाई करने का परफेक्ट टाइम नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको किस टाइम पे बाई करना है। अगर आप उस टाइम पे बाई करेंगे तो आपके लॉसेस के चांसेस डिक्रीज होंगे और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा, यानी आप अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। और कई बार वहाँ पे आप सेल पोजीशंस भी इनिशिएट कर देते हैं और उसके कारण से आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रैप से भी बच सकते हैं, यानी इस एक टॉपिक से आपको मल्टीपल फ्रंट पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम फाइंड करें बाई करने का परफेक्ट टाइम क्या है। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे अगर आप देखें तो ये जो चार्ट है आपका HDFC लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इस चार्ट में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना, दोनों में से जो पहले मिल जाए वो हमें आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हमें यहाँ पे मेन फोकस किस पे देना? मेन फोकस हमें सपोर्ट लेवल पे देना। इसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें टारगेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब देखिए, जब प्राइस आपका सपोर्ट के करीब आएगा तो दो काम हो सकता है, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा सकता है या नहीं तो यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करते हुए रिवर्सल दिखाते हुए ऊपर जाएगा। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बाई करने का परफेक्ट टाइम नहीं होगा और हम बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम फोकस किस पे करेंगे? जब ये सपोर्ट लेवल से रिवर्सल दिखाएगा, उसको टच करके वापस ऊपर जाएगा, हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। ऐसा कुछ बनेगा तभी यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आने के बाद तीन कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि आपका जो सेलर्स है वो कमज़ोर होना चाहिए, यानी कमज़ोर दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके बाद हमें क्या दिखना चाहिए? रिवर्सल हमें दिखना चाहिए, और रिवर्सल के साथ साथ हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न चाहिए। ये तीन चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्या चाहिए? सबसे पहले सपोर्ट लेवल करीब आते आते सेलर्स कमजोर होगा तभी वो सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा, तो सेलर्स की कमजोरी को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ सपोर्ट लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे? कोई एक स्ट्रांग पॉजिटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम इसके बेसिस पे बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे, सिर्फ रिवर्सल के बेसिस पे भी बाई नहीं करेंगे। तो चलिए इन सारे पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे आपका एक हाई बनाया, फिर आपका नीचे आया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आपका एक हाई बनाया, यानी इन दोनों हाई को ज्वाइन करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस लाइन मिल गया, रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, लेकिन अभी तक हमें सपोर्ट लेवल नहीं मिला, हमें सपोर्ट लेवल भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिर प्राइस आपका नीचे आया, यहाँ पर आपका एक लो बनाया है, फिर नीचे आया, यहाँ पर भी आपका एक लो बनाया, मतलब इस पॉइंट के बाद हमें दो लो पॉइंट भी मिल गया, और इन दोनों लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आप मुझे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन दोनों मिल गया है, और वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हमें फोकस किस पे करना है? सपोर्ट लेवल पे फोकस करना है। और यहाँ पे हमें क्या देखना है? तीन पॉइंट सपोर्ट लेवल करीब आते आते जो सेलर हैं वो कमज़ोर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगली बार जब सपोर्ट लेवल करीब आया है तो लॉन्ग टेल एट द बॉटम बना, डेट मीन्स टू सेलर्स कमजोर है। एक चीज़ आपको ध्यान देना, जब भी लॉन्ग टेल एट द टॉप जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स वीक हैं। और जब भी कोई कैंडल बने जिसमें हमें लॉन्ग टेल एट द बॉटम इस तरीके से देखने को मिले, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कमज़ोर हैं। तो
तो यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द बॉटम है तो सेलर्स कमजोर हो गए। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ गया, यानी रिवर्सल भी हमें देखने को मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या था, रिवर्सल के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रांग पॉजिटिव पैटर्न चाहिए, चाहे कैंडल के बेसिस पे हो या फिर कोई चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हो। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो तीनों पॉइंट मेरा सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना उसके हाई को मार्क कर लेंगे, जैसे ही प्राइस उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, वो हमारे लिए टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा और यहाँ पे अपना हम टारगेट बुक कर लेंगे। अब इन सब के बाद हमने यहाँ पे अपना सारा कुछ पहले डिसाइड किया, अभी हमें ट्रेड लेने से पहले एक और चीज़ देखना है। क्या देखना है कि यहाँ पे हमें रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, यानी रिस्क ज़्यादा है या फिर रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो रिस्क अगर एक पॉइंट का हो रहा है तो रिवॉर्ड मुझे 2 पॉइंट का मिलना चाहिए, रिस्क अगर 100 पॉइंट का हो रहा है तो रिवॉर्ड मुझे 200 पॉइंट का मिलना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर रिस्क मेरा 100 पॉइंट का बन रहा है और रिवॉर्ड सिर्फ 70 पॉइंट का आ रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यानी रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हमारे फेवर में होना चाहिए और यही फाइनल हमें क्लेरिफिकेशन देगा कि हमें बाय साइड की तरफ जाना या नहीं जाना, यानी ट्रेड लेना या नहीं लेना, कोई भी ट्रेड में इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आप आसानी से रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड है आपका 3.5, यानी अगर 100 पॉइंट का रिस्क है तो 350 पॉइंट का टारगेट मिलता हुआ दिख रहा, जो कि हमारे फेवर में है। तो यहाँ पे हम आसानी से ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इस अपसाइड मूव से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप परफेक्ट बाइंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यानी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप विजिट करके एक बार जरूर देखिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और ये सारा कुछ देखने के बाद आप खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। आप इन सारे चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को भी आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको फ्यूचर ऑप्शंस का भी कोर्स मिलेगा, पूरा स्टॉक मार्केट का भी कोर्स मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कैंडलस्टिक का मिलेगा, चार्ट पैटर्न का अलग मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस का अलग मिलेगा, इंडिकेटर्स का आपका अलग मिलेगा। तो वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा जो कि आपको एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा और उसके जरिए आप ट्रेडिंग को अपना कैरियर भी बना सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिए गए हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो कोर्स को आप इनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जांपल को देखना चाहेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा श्री सीमेंट और यहाँ पे हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं। टाइम फ्रेम आप कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली चार्ट पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें परफेक्ट एग्जांपल मिलता है और आपको समझने में आसानी होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, कहीं पे भी कर सकते हैं बस। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है या कोई चार्ट पैटर्न आप डेवलप कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो रिसर्च काम के लिए हमेशा आपको डेली चार्ट पे आना, फिर उसको समझने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करना, सबसे पहला जो बताया था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले प्राइस आपका ऊपर गया, यहाँ पे एक हाई बना है, सिंगल हाई के बेसिस पे हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। उसके बाद प्राइस नीचे आया और यहाँ पे आपका एक लो बना है, फिर यहाँ पे हाई बना, 2 पॉइंट जैसे ही मिला इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे भी लो बना है, मेरा 2 लोएस्ट पॉइंट भी मिल गया, इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, हमें सपोर्ट भी यहाँ पे जल्दी मिल गया और रेजिस्टेंस भी जल्दी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब पहला पॉइंट क्या है, सपोर्ट के करीब आते आते क्या होना चाहिए, जो सेलर्स हैं वो कमज़ोर दिखना चाहिए। तो देखिए सपोर्ट के करीब आया है और यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द बॉटम बना है, डैट मीन्स टू सेलर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिवर्सल आया है कि नहीं आया है, ये भी हमें क्लियर करना होगा। तो देखिए प्राइस आपका रिवर्सल भी दिखाया है। तीसरा पॉइंट है कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा, बुलिश
इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त पॉजिटिव पैटर्न है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे, जैसे इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। ये पॉइंट मेरा एसएल के रूप में काम करेगा और रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा, जो कि टारगेट को इसने आसानी से हिट किया है। और एट लास्ट हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे हमारे लिए रिस्क कितना है और एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे रिवॉर्ड कितना मिलता हुआ दिख रहा है। विदाउट ये कैलकुलेशंस रिस्क रिवॉर्ड हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे हम छोटा छोटा ट्रेड क्यों ना ले रहे हो या फिर बड़ा ट्रेड क्यों ना ले रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड आपका 2.02 है, यानी 100 पॉइंट का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट अगर हम रिस्क पे डाल रहे तो 200 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे फेवर में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारा ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। बस आपको तीन चीज़ आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट के करीब सेलर्स में कमजोरी दिखना चाहिए, रिवर्सल, और रिवर्सल के साथ साथ कोई स्ट्रांग पॉजिटिव पैटर्न। सिर्फ रिवर्सल पे हम प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम परफेक्ट एंट्री पॉइंट खोज रहे हैं, एंट्री पॉइंट नहीं, परफेक्ट एंट्री पॉइंट जहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम हो, इसलिए ये तीनों पॉइंट हमें सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तीसरे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो सारा कुछ वही हुआ है। इन दो पॉइंट को लेके हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, इन दो पॉइंट को लेके हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे भी कमजोरी है और यहाँ पे भी हमें कमजोरी देखने को मिला, और यहाँ पे भी आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे होगा, जहाँ पे इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है, इस लेवल करीब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, जो रेजिस्टेंस लाइन है ये हमारा टारगेट के रूप में काम करेगा और एसएल हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने से ही लग रहा है कि जो टारगेट है मेरा छोटा है और स्टॉप लॉस काफ़ी बिग है, यानी जो लास्ट पॉइंट हमें वेरीफाई करना है रिस्क रिवॉर्ड, वो यहाँ पे हमें फेवर करता हुआ नहीं दिख रहा है। आप पॉइंट से भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इसके लिए सेटिंग्स भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड 0.65, इसका मतलब है कि अगर हम 100 पॉइंट रिस्क पे डालते हैं तो यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे सिर्फ 65 पॉइंट ही मिलता हुआ दिख रहा है, यानी रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड यहाँ पे कम मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन सब को देखते हुए क्या करेंगे, हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे ट्रेड करना है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपको लॉसेस को अवॉइड करके देगा। सिर्फ एक स्ट्रेटजी या फिर कोई आपने टेक्निक सीख लिया, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है वो भी बहुत ज़रूरी है सीखना, और वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। सो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।